राम। बोले राम जी महाराज की, श्री दरियाव जी महाराज की, श्री कृष्णदास जी महाराज की, श्री हरकाराम जी महाराज की, श्री गुलाबदास जी महाराज की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की, भागवत महापुराण की, सत्य सनातन धर्म की। मंच पर विराजमान आचार्य श्री भगवान दास जी महाराज, मेहता महाराज, कृपाराम जी एवं रामन्यास जी शास्त्री, राम प्रकाश जी महाराज, जितने भी संत महात्मा विराजमान हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए और भगवत स्वरूप जनार्दन भगजन जो विराजमान हो इतना योग्य आपका कहते हुए, संसार में देखो आप लोग ऐसे महापुरुष के अर्थशास्त्र शताब्दी और रामधरा निर्माण के कार्यक्रम के शुभ अवसर पर आप सब लोग यहाँ इकट्ठा यहाँ हैं और संत महात्मा रहा ये प्रयास है इस भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के वास्ते इनका अधिक व अधिक संस्कार प्रति मानव के अंदर उत्पन्न हो, जागृत हो। संत हर दृष्टि से जीव को परमपिता परमात्मा की ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन याद रखना जीवन मायने एक तो जो फूल होता है, फूल एक बार ही खिलता है और मनुष्य जीवन भी एक बार ही मिलता है, ये बार बार मिलने वाला नहीं। इसके अंदर यदि हम लोग कुछ परमात्मा का चिंतन कर लेते हैं या भगवान के नाम का जितना सुमन करते हैं, सुकृत करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, उनका शास्त्र अनुमान बहुत बड़ा पुण्य बताया है। आज आप लोग नसीबाई रे मायरी कथा जो सुन गया हो, भागवत सुन गया हो, तो भागवत के अंदर जो सुखदेव मुनि या जिन्होंने अपनी माँ के औदर के अंदर रह करके वो तत्व वो ज्ञान प्राप्त किया, जिनके माध्यम से आज हजारों जीव उनके वाणी को सुन करके आत्म कल्याण की प्राप्ति करते हैं और करते रहेंगे युगो युग भी जवेला, लेकिन ये धार्मिक ग्रंथ की जो गाथा है ये यूं ही चलती रहेगी। जैसे पहला जी हा और अष्टावक्र जी हा, कई संत ऐसे ऋषि हो गए जिन्होंने मारे पेट के अंदर ही रह करके और वो ईश्वर की सत्ता को प्राप्त किया, जिनके माध्यम से जन्म मरण का जो ये रोग है या चक्र है मिटने का जो असली तत्व है उनकी प्राप्ति की। तो हम भी उन महापुरुषों की वाणी सुनते हैं, उन संतों के सानिध्य में बैठ करके जो भी भगवान का नाम का चिंतन करते हैं नहीं, उनका बहुत बड़ा शास्त्र मान पुण्य बताया गया है। इन बात का ये घड़ी आदि में पुण्यात तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपराध। तुलसीदास जी महाराज के कोई ऐसा संत होना चाहिए जीवन में जिनके माध्यम से हम अपने जीवन का जो भी खाता है, जो भी कर्म है, उनका सबका कहीं के निवारण कर सकते हैं। तो भगवान की कृपा सुन बड़े ही सुंदर अवसर है राम प्रकाश जी महाराज के द्वारा जितना सुंदर ज्ञान गंगा यज्ञ का आयोजन चल रहा है, इनमान आप लोग सब लोग डुबकी लगा रहे हो, सेवा का भी लाभ ले रहा हो, संदर्शना का भी लाभ ले रहा हो, भगत चरित्र सुनने का भी लाभ ले रहा हो और नाम जप करने का भी लाभ ले रहा हो। इनसे बढ़कर और कोई संसार में नहीं। इनवास्ते दरिया जी महाराज कहते हैं, सात सरोवर राम जल राग देश का चुनाई, दरिया पीवे प्रीत करे सो तिरपत हो जाए। तिरपत तो भाई आज भी होला, हजारों किसी का बेटा होला, लेकिन राम जी को नाम सुनने वाला तो भाई बहुत ही कम है। लाख में लादे नहीं, किरोड़ा में जोई, अरब खरब बढ़ाया के एक इनके दो। संसार में गणेश जी आया, लेकिन जिन्होंने भगवान की भक्ति करी बेना नाम आ संसार में अमर है। बाकी पशु की तरह जिंदगी जी करके चलिया गया, या कोई बड़ा दातार बनिया जिकारा नाम अमर है, या कोई सूरवीर है बेना नाम अमर है। तो अपन ने जीवन ने माने प्रयास ऐसा करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी यदि सद्बुद्धि बनी रहे
तो अपा भी धीरे धीरे इन मार्ग में आगे बढ़ करके और एक दिन एक जल में नहीं या एक दिन में नहीं एक महीना में नहीं एक साल में नहीं कोई कोई समय अपने भी वो शुभ आ सकता है जो ऐसे महापुरुष गुलाबदास जी महाराज को सिद्ध कोटि का संत या ये दरियाव जी महाराज की परंपरा में जो कृष्णदास जी महाराज या कहने को मतलब है एक एक संत बढ़ कर हाँ लेकिन जिन्होंने भजन किया उनका नाम आज चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा इसलिए जीवन में अधिक से अधिक सुख करण तो शुक्र तो सुमरण ये दो बात है इन आप ज्यादा से ज्यादा आदर करा सम्मान करा और इन पर चला तो अपना भी जीवन सार्थक हो सके। बोले राम जी महाराज की, श्री दरियाव जी महाराज की, श्री कृष्णदास जी महाराज की, श्री हरकाराम जी महाराज की, श्री गुलाबदास जी महाराज की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। राम राम।